हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। गाइस, स्वागत है आपका बसिम इंडोनेशिया के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 एसयूवी कार मोड। तो यहां पे मैं आप लोगों को 5 ऐसी कार बताऊंगा जो आप लोग बसिम इंडोनेशिया में आसानी से प्ले कर सकते हैं, आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। बात करूँ तो आप लोगों को, अगर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ जिसमें मैंने टॉप 5 जीप मोड, टॉप 5 ट्रक मोड और टॉप 5 मतलब फॉर्च्यूनर का जो ऑल सभी मॉडल है उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग चैनल चेकआउट कर लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग सबसे फर्स्ट वाला मॉडल देख रहे हो, तो ये फॉर एंडओवर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो ये काफ़ी ओपी वाला मॉडल आप लोगों को मिल जाता है। इसको एमएच चैनल ने बनाया हुआ है। इसमें आप लोगों को 3 एनिमेशन की मिल जाती है। तो सेकंड नंबर की एनिमेशन की से आप लोग इन पीछे का जो लगेज बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हो, और थर्ड नंबर की एनिमेशन की है उसे आप लोग पीछे एक स्पेयर व्हील लगा सकते हो, और फर्स्ट एनिमेशन की से आप लोग डोर वगैरह ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, तो काफ़ी ओपी वाला है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोग ये येलो कलर देख रहे हो, आप लोगों को ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, ब्लू कलर भी मिल जाएगा, ब्लैक और व्हाइट, ये काफ़ी सारे आप लोगों के यहाँ पे कलर मिल जाने वाला है। तो आप लोग जैसे इसको डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिकली आप लोगों के मतलब गैलरी में इसके फोटोज़ भी सेव हो जाएंगे, मतलब इसकी जो स्क्रीन होती है वो भी सेव हो जाएगी। तो इस मोड में आप लोगों को वाइपर वर्केबल मिल जाते हैं। और डैशबोर्ड की बात करो तो डैशबोर्ड काफ़ी ओपी वाला मिल जाता है। इसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर भी वर्क करता हुआ मिल जाएगा, और आप लोगों को स्टेयरिंग पे यहाँ पे आप लोगों को फोर्ड का लोगो भी दिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें ऊपर से थोड़ा छत में ग्लिच हो रखा है, लेकिन आप लोग इसको बाहर से देखोगे तो ऐसा कुछ आप लोगों में दिक्कत नहीं आएगा। साइड मिरर वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्केबल मिल जाने वाला है, और यहाँ पे आप लोगों को जो मैप भी दिया गया है जिससे हम लोग रास्ता आसानी से देख सकते हो, आसानी से यहाँ पे घूम फिर सकते हो। तो काफ़ी खतरनाक वाला ये मोड आप लोगों को कैसा लगा यार कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। होप आप लोगों को ये मोड पसंद आएगा। ये मोड में मतलब टायर की शाइनिंग वगैरह की बात करो तो काफ़ी खतरनाक वाला आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, और काफ़ी ओपी वाला लग रहा है। इसमें लाइटिंग और पार्किंग लाइट वगैरह सब कुछ वर्क करता है, और जो इंटीरियर की बात करूँ जो डैशबोर्ड पे हम लोगों को सब कुछ ये फंक्शन वर्क करते हुए मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे में आप लोगों को बताऊँ तो रेंज रोवर कार का मोड। तो रेंज रोवर कार का भी मैंने येलो कलर में ही रखा है, तो उसका भी सारे कलर आप लोगों को मिल जाएंगे। चले गए, चले जाते हैं हम लोग रेंज रोवर कार में, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग रेंज रोवर कार देख रहे हो, तो ये रेंज रोवर कार MKABD गेमर ने इसको बनाया है, तो काफ़ी ओपी वाला आप लोगों को यहाँ पे ये कार मोड मिल जाने वाला है। कार मोड में आप लोगों को सभी कलर्स मिल जाएंगे, जो कलर आप लोगों को मैंने पहले बताया कि यहाँ पे येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू और ब्लैक, ये काफ़ी सारे आप लोगों को कलर मिल जाने वाला है। इस कलर को मतलब आप लोगों को यूज़ करना है, तो मैंने सबसे पहले वाला मोड बताया जो कि फोर्ड एंडोवर का, वही कलर मतलब वही स्किन आप लोगों को इसमें यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी खतरनाक वाला है। तो काफ़ी ओपी वाला आप लोगों को रेंज रोवर कार मोड मिल जाता है। इसमें बात करो तो कोई आप लोगों को एनिमेशन की नहीं मिलता है, जैसे आप लोग इसको डोर के ओपन करते हो सभी के सभी डोर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ये कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। टायर के शाइनिंग वगैरह की बात करो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है, और यहाँ पे पार्किंग लाइट और लाइट काफ़ी अच्छा वाला वर्क करते हुए मिल जाता है। इसमें डैशबोर्ड की बात करो तो डैशबोर्ड पर आप लोगों को स्पीडोमीटर नहीं मिलता है, स्पीडोमीटर की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो स्टेयरिंग का सेंसिटिविटी और स्टेयरिंग का लुक है काफ़ी ओरिजिनल वाला, पूरा ओरिजिनल वाला लुक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। एक छोटा सा मैप मिल जाता है जिससे आप लोग रास्ता वगैरह ना भटक जाए, तो काफ़ी ओपी वाला लुक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा ग्लिच हो रखा है, तो ये सभी मोड्स में गाय इतनी थोड़ी सी दिक्कत होती रहती है। इसकी स्पीड आप लोगों को काफ़ी मतलब ख़तरनाक मिल जाने वाली, इसकी स्पीड में इसकी स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आप लोगों को 200 प्लस भी चली जाएगी, ऐसी यहाँ पे आप लोगों को स्पीड मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे ये कुछ नया लुक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो बोट वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मतलब ये नया एक एरिया है आप लोगों को इसको घूमना है, तो ये पेडांग करके जो मैप है वहाँ पर आप लोग इसको मतलब देख सकते हो। तो कैसा लगा ये वाला मोड? आई होप आप लोगों को ये वाला मोड पसंद आएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, तो नेक्स्ट मोड है XUV 500, जो कि महिंद्रा का है, आप लोगों को पता होगा। चले अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये वाला मोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को सभी मोड बताऊँगा, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बता देना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मोड XUV 500 का मिल जाने वाला है, जो कि महिंद्रा का ये काफ़ी ओपी वाला यहाँ पे SUV का मॉडल मिल जाने वाला है। इसमें अगर सभी इंटीरियर की बात करूँ तो आप लोगों को पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट और सब कुछ वर्क करता हुआ मिल जाएगा, आगे की लाइट वगैरह सब कुछ वर्क करता हुआ मिल जाएगा। इसमें स्पीडोमीटर वगैरह की बात करूँ तो वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को वर्क करता हुआ मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसके टायर की जो रिंग्स होती है वो मुझे काफ़ी मतलब खतरनाक वाला लुक लगा यार, आगे की तरफ घूमती है, कभी कभी पीछे की तरफ घूमती है, तो ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है, तो काफ़ी खतरनाक वाला है। इसके अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल जाने वाली
वाली है। इसको इविल गेमिंग ने बनाया, मतलब इविल सिम्युलेटर अभी इसका नाम कर दिया गया है, पहले इसका नाम इविल गेमिंग था। तो आप लोग चैनल चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे मोड्स मिल जाएंगे। तो ये वाला मोड आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को ये मोड पसंद आएगा। इसमें आप लोगों को 4 मेंबर भी बैठे हुए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी उपयोग वाला है। इसमें अगर डैशबोर्ड की बात करो तो डैशबोर्ड पर एक मतलब जो आईफोन होता है वो लगा हुआ है, और उसमें आप लोग मैप वगैरह देख सकते हो। इसमें भी स्पीडोमीटर वर्क करता हुआ मिल जाएगा, और स्टीयरिंग का लुक मुझे काफ़ी ओरिजिनल वाला लगा, काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पे स्टीयरिंग का लुक देखने को मिल जाता है। और इसको सत्या एडिट ने मतलब इसको एडिट किया है, सत्या गेमिंग ने, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये वाला मोड भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को रहेगा। इसको अगर बात करूँ कार के जो स्टीयरिंग सेंसिटिविटी की, तो स्टीयरिंग सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है, वही के वही कार पूरी मोड़ जाती, तो काफ़ी अच्छा है गाइस। आप लोगों को ये वाला मोड कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, तो इस मोड में कुछ आप लोगों को मिल जाती है, और इसमें आप लोगों को यार 2 एनिमेशन की भी मिल जाती है, वो तो मैंने पहले बताया भी नहीं। फर्स्ट एनिमेशन की से आप लोग पीछे का लगेज बॉक्स ओपन करते हो, सेकंड एनिमेशन की से आप लोग ड्राइवर साइड के जो मतलब वो मिरर होता है, साइड ग्लास होता है, सॉरी साइड ग्लास नहीं, वो कांच होता है, उसको आप लोग ओपन बंद कर सकते हो। ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो इसमें आप लोगों को 2 एनिमेशन की मिल जाए, जो कि मैंने पहले बता दिया। आगे की साइनिंग वगैरह की बात करो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। महिंद्रा का लोगों को भी आप लोगों को साथ में मिल जाने वाला है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, तो वो है हमारा स्कॉर्पियो, जो कि इसको भी इविल गेमिंग ने ही बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आती है, वो मतलब स्कॉर्पियो कार की आती है कि स्कॉर्पियो कार को हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉर्पियो का मोड भी मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए इसको कैसे डाउनलोड करना है, उसका मैंने प्राइवेट वीडियो एक बनाया हुआ है, आप लोग चैनल चेकआउट कर देना, वहाँ पर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये वाला है स्कॉर्पियो कार, और इसको भी इविल सिम्युलेटर ने ही बनाया, मतलब इविल गेमिंग ने बनाया। इविल गेमिंग इसका पहले वाला नाम था, अभी इसको बदल के इविल सिम्युलेटर कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक कलर में मिल जाता है, अगर आप लोगों को इसका और कलर चाहिए तो आप लोगों को उसमें और कलर भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारी स्किन है, वो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आप लोगों को काफ़ी सारी स्किन इसमें मिल जाने वाली है। टायर शाइनिंग वगैरह की बात करो तो काफ़ी अच्छी मिल जाने वाली है, और इसमें भी आप लोगों को 3 मेंबर बैठे हुए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ओपी लगता है गाइस। और टायर की शाइनिंग के साथ साथ वो रिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मैंने फिलहाल इसको ब्लैक कलर में रखा है। फर्स्ट एनिमेशन की से आप लोग जो साइड ग्लास होती है, जो आप खिड़की वगैरह होती है, उसको ओपन कर सकते हो। थर्ड नंबर की एनिमेशन की से आप लोग पीछे का डोर वगैरह ओपन कर सकते हो, और ना थर्ड नंबर की एनिमेशन की से सॉरी गाइस आप लोग जो साइड मिरर होते हैं उसको यूज़ ऑन ऑफ कर सकते हो, और सेकंड एनिमेशन की से पीछे का लगेज बॉक्स ओपन कर सकते हो। इसके भी डैशबोर्ड की बात करूँ, इसका डैशबोर्ड भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये स्कॉर्पियो का S10 मॉडल है, और आप लोगों को बता दें इसका डैशबोर्ड, तो उसका डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसका डैशबोर्ड में जो स्पीडोमीटर होता है वो वर्क करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, सभी स्पीडोमीटर वर्क करता हुआ मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को एक आईफोन जैसा रखा हुआ मिल जाता है, जिसमें हम लोग मैप वगैरह देख सकते हैं। इसको अभी मतलब बात करूँ तो XUV500 बताया, सेम टू सेम उसके जैसा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसका स्टीयरिंग लुक भी सेम टू सेम वैसे देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट होता है तो सिर्फ स्पीडोमीटर ने। तो ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। यहाँ पे जो हम लोगों को आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने रखा है सॉरी गाइस, वो इसका वाइपर होता है वो वर्क करता हुआ मिल जाता है। तो वाइपर भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, जिसको आप लोग बारिश वगैरह में खेल सकते हो। तो ये वाला मोड कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये था हमारा मतलब 4th नंबर वाला। आप लोगों को आगे बताता हूँ हमारा लास्ट वाला मोड, जो कि फॉर्चुनर कार। फॉर्चुनर कार का मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर देना किस तरीके से आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है। आप लोगों को सभी मॉडल्स का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो यार लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट मोड की ओर, जो कि हमारा लास्ट वाला है। तो लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे फॉर्चुनर का न्यू मॉडल मिल जाता है। अगर आप लोगों को ओल्ड मॉडल चाहिए और मॉडिफाइड वर्जन चाहिए, तो सब कुछ आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने 5 मॉडल बताए, तो उसको भी आप लोग वहाँ से वीडियो देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को सभी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को MH चैनल ने बनाया, इसको MH चैनल का इसको मतलब क्रिएट किया है। इसका जो स्पीडोमीटर वगैरह की बात करो तो वो वर्क नहीं करता, लेकिन स्टीयरिंग सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वाइपर भी वर्क करते हुए मिल जाता है, साइड मिरर भी वर्क करता हुआ मिल जाता है। आप लोगों को इसमें 3 एनिमेशन की भी मिल जाती है, तो उसका यूज़ भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। इसमें अगर बात करो तो आप लोगों को व्हाइट और ब्लैक ये 2 कलर में मिल जाने वाला है। पीछे का लुक की बात करो तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लाइट वगैरह सब कुछ वर्क करता है, और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को जो पार्किंग लाइट वगैरह की बात करो तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती हुई यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो यही था गाइस आज का ये वीडियो। आप लोगों को सभी मोड्स में से कौन सा मोड सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।
वीडियो को करते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप लोगों को ट्रक वाले वीडियो चाहिए, मतलब मैंने 6 ऐसी ट्रक बताई जिसको आप लोग बसमिल इंडोनेशिया में खेल सकते हो, उसका वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ गाइस, उसके साथ साथ फॉर्च्यूनर के 5 मॉडल और आप लोगों को जीप कार होती है उसके 5 मॉडल्स का वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आप लोग एक बार चैनल चेकआउट कर देना, बसमिल इंडोनेशिया के काफ़ी सारे मोड्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो पीयू गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।